हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, तो ये दोनों चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग ये वाली चीज को पढ़ने वाले, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो हमारा इनपुट क्या आएगा, यूजर की तरफ से कोई भी एक इंटीजर नंबर आएगा और हमारा जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो उस डिजिट्स का सम, जैसे 1, 2, 3, 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4 हमारा 10 होगा, तो ये 10 को हम लोग जो है रिटर्न करेंगे एज एन आउटपुट। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 + 2 + 3 + 0 है तो ये हो जाएगा 6 और 6 हमारा आउटपुट होगा और ये वाले के लिए भी 6 होगा। तो इसका जो कोड है, ये वाला जो हम लोग काम करेंगे इसका कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इस कोड को देख लो। यूजर से इनपुट लेने का पार्ट हम लोग मेन फंक्शन में करेंगे। ये हमारा सिंपल लॉजिक है जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सम निकालना है हर एक डिजिट्स का। तो हम लोग लास्ट से, देखो ध्यान से सुनो, लास्ट से हम लोग एक एक करके डिजिट्स हटाएंगे। ठीक है, ये जो तीनों प्रोग्राम है ना, ये तीनों प्रोग्राम ये एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले में हम लोगों ने मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज किया था, इस वाले में हम लोगों ने डिवाइड ऑपरेटर यूज किया था। ठीक है, अब हम लोग मॉड्यूलो प्लस डिवाइड दोनों यूज करेंगे। फंडा क्या है, सम निकालना है, एक नंबर है, लास्ट से हम लोग उसको जो है लास्ट का जो डिजिट है हम लोग उसको हटा देंगे, मतलब एक नंबर का लास्ट डिजिट हटा देंगे, मतलब रिमाइंडर निकालेंगे, जो रिमाइंडर रहेगा उसको सम में ऐड कर देंगे। देखो कुछ इस तरीके से, जो हमारा जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल लिए सम, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से और हमारा जो है नंबर है 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये नंबर है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो लास्ट डिजिट है वो हटा देंगे, क्योंकि हम लोग हर एक डिजिट्स को क्या करना है, सम में ऐड करना है 1 + 2 + तो लास्ट से हम लोग जो है इजी है करना, क्योंकि 10 से हम लोग डिवाइड करके मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नम को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग जो है एक रिमाइंडर वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, एक रिमाइंडर वेरिएबल है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 1, 2, 3, 4 है उसको हम लोग मॉड्यूलो 10 लगा देंगे। तो जैसे ही 10 लगा देंगे इसका हमारा मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, लास्ट से हम लोगों ने एक हटा दिया, 4 आया। 4 जैसे ही आया, ये जो रिमाइंडर है इसमें हम लोग 0 + 4 कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग सम को, सम में सम प्लस रिमाइंडर कर दिए, उसके बाद जो ये 1, 2, 3, 4 है ना, ये तो अभी पूरा नंबर है, उसके बाद हम लोग उसको जो है एक लास्ट वाला डिजिट हटा देना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या पता है, जो नंबर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4 को डिवाइड कर देंगे अगर 10 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 1, 2, 3, 0.4 है, यानी कि सिर्फ 1, 2, 3, क्योंकि इंटीजर डिविजन लेते हैं। तो अब ये 1, 2, 3 हो गया, ये हमारा एक बार चला तो हमारा सम का वैल्यू 4 आ गया। इसको बाद फिर से हम लोग सेम काम करेंगे दूसरी बार, तो रिमाइंडर इस बार क्या होगा हमारा, अभी हमारा नंबर क्या है 1, 2, 3, मॉड्यूलस लगाएंगे 10, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर 3 आया हम लोग सम में यहाँ प्लस 3 कर देंगे, जैसे ही हमने ऐड किया उसके बाद जो हमारा नंबर रहेगा, यानी कि जो नंबर है 1, 2, 3, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा 1, 2.3, यानी कि ओनली 12। ठीक है, ये दूसरा बार काम किया हमने। फिर तीसरा बार फिर से करेंगे, जो रिमाइंडर है उसमें क्या करेंगे, जो नंबर है उसमें मॉड्यूलस 10 लगाएंगे, तो ये 12 क्या हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा। जैसे रिमाइंडर आया इसको हम लोग 2 ऐड कर देंगे और फिर जो नंबर है यानी कि 12 उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1.2, यानी कि 1। ठीक है, उसके बाद फिर से सेम काम करेंगे, एक बार 4 क्या होगा हमारा रिमाइंडर, यानी कि इस बार क्या हमारा ओनली 1 है, 1 मॉड्यूलो 10 क्या होगा हमारा 1। तो जैसे ही ये 1 आया इसमें हम लोग सम में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सम में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ये हो जाएगा नम इक्वल्स टू 1 / 10, यानी कि 0.1, तो ये हो जाएगा 0। जैसे ही 0 हो जाएगा हमारा नंबर हम लोग रुक जाएंगे। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो हम लोग तीन काम कर रहे हैं, पहले मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, हमें पता है ना जैसे हमने पढ़ा था, एक नंबर को ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक नंबर से, एक नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो ये रिटर्न करेगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वोशेंट आएगा वो ये वाला चीज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देखा है। अब क्या करना है, तीन चीज कर रहे हैं, पहले हम लोग मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, जो जैसे मॉड्यूलस निकाला उसको सम में ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद उसको नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं। और ये काम कितनी बार कर रहे हैं हम लोग, बहुत बार कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक सम नाम का एक वेरिएबल लिए जिसको असाइन कर दिए हम लोग 0 से, उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया और ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा नंबर 0 नहीं है। तो वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, तो जब तक नंबर 0 नहीं है तब तक लूप चलेगा, जैसे ही हमारा जो नंबर है वो 0 हो जाएगा हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज लगा दिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया रिमाइंडर नाम का,
इसमें क्या करें, मॉड्यूलस लगा रहे, तो जो रिमाइंडर है तो नंबर डिवाइड नंबर मॉड्यूलस 10 किया, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। उसके बाद सम में ऐड कर रहे, तो जो सम है उसमें हम लोग क्या करें, सम प्लस रिमाइंडर, मतलब जो भी सम में पहले से था उसमें हम लोग क्या करें, हर बार ही रिमाइंडर रिमाइंडर को हम लोग जो है ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो उसके बाद रिमाइंडर को ऐड करने के बाद का स्टेप क्या है, नंबर में हम लोग नंबर डिवाइड बाय 10 कर रहे, तो नंबर में हम लोग नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर दे रहे, तो इसमें हम लोग लूप लगा दिए। और जो भी हमारा लूप जैसे ही खत्म होगा, जो भी सम होगा हमारा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न सम। तो ये हमारा सिंपल सा कोड हो जाएगा इस वाले चीज के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे सारसी में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जावा क्लास बनाएंगे और यहाँ पे क्लास का नाम लिख देते हैं सम ऑफ डिजिट, ठीक है, एंटर करेंगे। हमें अभी गिट पे नहीं डालना है तो कैंसिल कर देते हैं। जल्दी से हम लोग अपना जो है यूजर से इनपुट ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इनपुट लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सक रहे हैं यूजर से हमने एक इनपुट ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है मेथड लिख रहे होंगे स्टैटिक इंट, स्टैटिक इंट मेथड का नाम रखते हैं हम लोग, जैसे रखते हैं सॉल्यूशन वैसे ही सॉल्यूशन। और इसके अंदर हम लोग एक आर्गुमेंट पास करेंगे इंट नाम का, ए इंट ए, ठीक है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सम सम इक्वल टू जीरो, सम को हमने जीरो ले लिया। वाइल लूप लगाएंगे, वाइल ये लूप कब कब तक चलेगा, जब तक ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तब तक ये लूप चल रहा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लेंगे रिम नाम से, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर है इस इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए मॉड्यूलो 10, ठीक है, ये जैसे हमने देखा था। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग सम सम में क्या करेंगे, सम प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और जैसे रिमाइंडर निकाल लिए हम लोग अपने नंबर को ए को जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे ए डिवाइडेड बाई 10 से, ठीक है। और ये जो भी आया हम लोग इसको हम लोग रिटर्न करा देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को हम लोग हमने यहाँ पे अपना लॉजिक लिख दिया अपना कोड का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मेन मेथड से जो है इसको हम लोग प्रिंट करा रहे होंगे। तो साउट, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज क्या होगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल देके हम लोग सॉल्यूशन को कॉल कर सकते हैं और इसमें ए पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोड बन के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉर्नर में देख सकते हैं वन एरर आ रहा है, तो एरर हमारा, अच्छा हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो वाइल लूप के बाहर हम लोग रिटर्न कराएंगे क्या, सम को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से वो एरर जो है चला गया, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर और सम ऑफ डिजिट्स को हम लोग रन करा रहे होंगे। तो ये रन होगा, यहाँ पे पूछ रहा है इंटर एन इंटीजर टू प्रिंट इट डिजिट, तो 9 8 करेंगे अगर, तो देखो यहाँ पे 17 आ रहा है, ठीक है, हमारा 9 + 8 17 होता है, ये 17 हमारा लिखा के आ रहा है। तो ये चीज हो गया। अब इसका अगर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो यहां पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप उतनी बार चलेगा जितना हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा। तो ये जो एन है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ये कोड हमारा उतना स्पेस नहीं लेगा मेमोरी में, ठीक है। तो ये समझ में आया, ऑर्डर ऑफ n क्यों हुआ, और n हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, हम चाहे तो यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, d इक्वल टू डिजिट्स और d जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। तो ये चीज हो गया हमारा प्रिंट कराना किसी भी नंबर से उसके डिजिट्स का सम को, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, गिट पे जाएंगे, कमिट कर देंगे अपने फाइल को। तो जैसे कमिट करेंगे, ये पिछला कमिट है इसको हटा दो, इसमें हम लोग क्या कमिट करने वाले हैं, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। और यहाँ पे जो है अनकन्वेंशनल फाइल, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट वाला आ रहा है, इसको चेकबॉक्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, कमिट एंड पुश, ठीक है, यहाँ पे आया, इसको पुश करना है, ये पुश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने गिटहब पे जाएंगे, इसको मैं पीछे कर लेती हूँ, इसको हम लोग क्या करेंगे अभी रिफ्रेश करेंगे। देखो रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे एक सम ऑफ डिजिट नाम का जो है हमारा आ रहा है, तो सम ऑफ डिजिट पे को ओपन करेंगे, देखो ये वही चीज है जो अभी अभी हमने लिखा था। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है नाउ है, मतलब ये अभी अभी हमने जो है इसको अपडेट किया है। तो ये चीज हो गया हमारा। आप लोग को मेरी गिटहब की सारी रिपोजिटरी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप लोग इस कोड को वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।